यूपी के रसड़ा थाना अंतर्गत बीती रात निमंत्रण से अपने साथी के साथ बाइक से लौट रहे राम प्रताप सिंह को बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाकर घायल कर दिया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश भाग निकलने में कामयाब हो गए। गोली कमर के निचले हिस्से में लगी है। किसी तरह घटना की सूचना परिजनों तक पहुंची। गोली चलाने वाला घायल व्यक्ति का भाई निकला। गोली से घायल व्यक्ति का रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सक की माने तो एक चोट दिख रही है जिसकी गहराई भी पता नहीं लग पा रहा और चोट से काफी ब्लड निकलने की बात कही है। इस दौरान घायल की माने तो पहले भी चाकू से हमला किया गया। मामला किसी पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। घटना रसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगरा के ढेरी गांव के पास का होना बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बलिया से विनय कुमार राठौर की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। डॉक्टर मुकेश वर्मा, सीएससी रसड़ा। जी, क्या मामला है सर? जो ये आए हैं, चोट लगी है, ठीक है, और ब्लीडिंग हो रही थी, तो काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, इसलिए उनको जिला अस्पताल बलिया जो है रेफर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ मैनेज करना संभव नहीं लग रहा था। जी, यहाँ पर प्रशासन भी आई हुई है, घर वालों का भी ये कहना है कि गोली लगी हुई है पीछे। तो ये तो प्रशासनिक मैटर है, अभी तो हमें सिर्फ एक चोट दिख रही है, इसकी गहराई भी हम नहीं पता लगा सकते हैं, ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा। क्या बता दें? संतोष कुमार सिंह जी, ग्राम पोस्ट छिपी जी, जिला बलिया जी। ये क्या हुआ है? मैं घर पर था सर जी, हमको सूचित मिला कि इनको गोली मार दिया गया। हम लोग बैठ कर आपके सीधे हॉस्पिटल में जाते हैं। कहाँ पे ये घटना हुई है? ये डेहरी हम लोग के बगल में है, बड़े बुज के सटे, वहीं एक कांड हुआ है। ये किस कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है? ये रसौन। कौन कौन लोग थे ये जानकारी हुई है? एक हमारे अरुण कुमार सिंह के साथ सर ड्राइवर थे बाइक पर, वो आगे चला बैठ कर बाइक चला रहे थे, पीछे से पल्सर से आकर